इस समय पूरे देश में श्री राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर उत्साह बना हुआ है। देश के कोने कोने से सनातनी एवं धर्म सांसद से जुड़े हुए लोग अपने अपने शहरों से और अपने अपने मंदिरों से सामर्थ्य के अनुसार श्री राम मंदिर के शिलान्यास हेतु कुछ न कुछ भेज रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में समाज संगठन के कार्यकर्ताओं ने पहले मां नर्व दुर्गा शक्ति मंदिर पर पहले हवन का आयोजित कर शुद्ध की गई मिट्टी और जल राम मंदिर निर्माण के लिए प्रेषित किया है। देखिए ये हवन और यज्ञ। ये हवन यज्ञ राम मंदिर निर्माण में विघ्न बाधा को दूर करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही इस हवन यज्ञ में पावन मिट्टी और जल को शुद्ध करने का कार्य भी किया जा रहा है। सबका मकसद एक ही है कि राम मंदिर का निर्माण भव्य हो और बिना किसी बाधा के पूर्व इसको लेकर सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता व अन्य भक्तगण प्रसिद्ध देवी मंदिर खुर्जा में जुटे और हवन यज्ञ का आवाहन किया, जिसमें खुर्जा के सभी मंदिरों के पुजारियों को एकत्रित किया गया। श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास हेतु विशेष गंगा जल व पावन मिट्टी अभिमंत्रित कर पावन और शुद्ध की गई। इन लोगों का कहना है कि सैकड़ों वर्ष बाद प्रभु श्री राम के मंदिर पुनर्निर्माण का अवसर आया है। इस अवसर पर जहां एक ओर संपूर्ण भारतवर्ष के भक्त आनंदमय और उत्साहित हैं, वहीं संपूर्ण आर्यावर्त की जनता भी प्रभु श्री राम के मंदिर बनने से खुश है। ऐसा है जो हम जज लेकर आए थे शुद्धिकरण हो गया और इसे लेके यहाँ से फिर दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर सीधा अयोध्या निकले। हमारे देश के सभी वर्गों में लगभग उत्साह है, सभी वर्गों में, ऐसा नहीं कि हिंदू में उत्साह, सभी में उत्साह है और उत्साह की बात भी है क्योंकि 800 साल पुराना मामला सुलझा है और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। देखिए जैसा कि एक हर्ष का विषय सबकी जानकारी में होगा, 5 अगस्त को भूमि पूजन श्री राम जन्मभूमि पर होने वाला है, तो जो हम सब लोगों की कामना थी वो पूर्ण होने वाली है। तो ऐसी कामना के साथ उस भव्य मंदिर निर्माण में कोई एक आपत्ति किसी प्रकार की अब ना आए, इस दृष्टि से हवन किया गया है और बाकी अपने बुलंदशहर के पुण्य स्थानों की रज हमने वहाँ पर एकत्रित करके भेजी और गंगा जल भी यहाँ पर भेज रहे हैं। तो जैसे किस तरह से पहुँचाया जाएगा वहाँ? यहाँ से इस रज को, गंगा जल को केंद्रीय कार्यालय विश्व हिंदू परिषद पहुँचाया जाएगा, वहाँ से केंद्रीय कार्यालय के पदाधिकारियों के माध्यम से वो अयोध्या पहुँचाया जाएगा। श्रद्धालुओं का कहना है कि जो मिट्टी प्रभु श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास हेतु भेजी जा रही है, वही अभिमंत्रित विशेष सामग्री के साथ प्रभु श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास हेतु है। श्री राम के मंदिर बनने के बाद एक बार फिर से संपूर्ण आर्यावर्त में राम राज्य की स्थापना होगी और लोग फिर से राम नाम जप कर धर्म का पालन करेंगे। आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।